इस वक्त आ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सुनो चले जान लेते हैं इस वक्त का वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जो है वो जारी है, जहां एक तरफ ग्वालियर चंबल में तापमान के बढ़ते पारे के चलते गर्मी और उमस से लोगों का हाल जो है वो बेहाल है, जहां वही दूसरी तरफ वातावरण में नमी के चलते कहीं कहीं बौछारें भी पड़ रही है। हालांकि जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते से मानसून के वापस सक्रिय होने के आसार है। जहां मौसम विभाग ने आज 2 जुलाई शुक्रवार को 6 संभाग और 4 जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावनाएं जताई है। जयमई मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय ना होने के चलते मानसून कमजोर पड़ गया है। वहीं मानसून ट्रफ भी हिमालय के तराई की तरफ खिसक गया है, जिसके चलते बारिश का दौर जो है वो थम गया है। जी हालांकि जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद फिर बादल छाने और झमाझम बरसने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग ने आज 2 जुलाई 2021 शुक्रवार को ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, रीवा एवं शहडोल के जिलों के अलावा इंदौर, उज्जैन, भिंड और बुरहानपुर में कुछ स्थान पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में बिजली चमकने और गिरने के साथ 18 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार है। और वही 5 जुलाई को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंकाएं भी जताई है। जी हाँ, वहां पर बाढ़ को देखते हुए यहां पर जो है रेड अलर्ट भी जारी किया है। जी हाँ, ये थी इस वक्त की वेदर अपडेट, जैसा कि आपने जानी। ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।